हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सरसों का साग बनाएंगे और ऐसा कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे, इतना टेस्टी बनने वाला है हमारा ये साग। और अगर सर्दियों में आपने नहीं बनाया तो फिर यार हमारी सर्दियाँ वेस्ट हो जाएगी ना। तो अच्छी तरह से बनाने के लिए आप लास्ट तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स रहते हैं जो हमको ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने ये देखिए सरसों लिया है, ये सरसों एकदम फ्रेश लीव्स है, ये मैंने 400 ग्राम जितना लिया है। तो आप एकदम फ्रेश लीव्स ही लाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसकी हम पत्तियाँ एकदम अच्छे से अलग कर लेंगे, जो साफ है अच्छी है उन पत्तियों को अलग कर लीजिए। देखिए इस तरह से। अब हम इसको एकदम अच्छे से काट लेंगे और इसको एकदम अच्छे से धोना है। अब जब भी ग्रीन वेजीज यूज करो तो प्लीज धोइए। ये मैंने पालक लिया है 250 ग्राम, इसको भी मैंने काट लिया है और एकदम अच्छे से धो लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं एक ग्लास जितना पानी डालूंगी और इसमें हम लोग सरसों और पालक दोनों के पत्ते ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसको हम बॉईल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूंगी और इसको हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे एकदम अच्छे से। अच्छा, अब ये जब तक बॉईल होता है हम दूसरा पैन लेंगे, उसमें मैं एक टेबल स्पून जितना ऑयल डालूंगी और एक टेबल स्पून जितना घी डालूंगी। इसको गर्म होने दीजिए। अब हम इसमें राई और जीरा 1/4 टेबल स्पून जितना डालेंगे। और ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, पेस्ट उसको ग्रेट भी कर सकते हो आप, 1 टेबल स्पून जितना दोनों। इसको एकदम अच्छे से गर्म कर लीजिए। ये एक हरी मिर्च ली है, इसको अच्छे से चॉप किया है, ये आधा मिनट तक आप इसको चलाइए मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें एक ऑनियन डालेंगे, प्याज, और ये स्प्रिंग ऑनियन है, ये भी मैंने 1 कप जितना लिया है। इसको 2 मिनट तक एकदम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दीजिए। और तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारा सरसों कुक हो चुका है तो इसको हम ठंडा करेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहो तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो या फिर ब्लेंडर की सहायता से, पर उसके पहले हम आधा ग्लास जितना पानी ज़रूर मिलाएंगे। देखिए इस तरह से ब्लेंड करना है इसको एकदम अच्छे से। आप चाहो तो थोड़ा सा खुरदुरा रखिए, एकदम पतला पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर से आते हैं, हमारे प्याज बन चुके हैं। यहाँ पर मैंने कैरेट ली है आधा कप जितनी और आधा कप मटर लिए है, फ्रेश मटर, ये फ्रोजन मटर है। तो इसको एकदम अच्छे से गरम करेंगे। और यहाँ पर एक टमाटो लिया है, उसको भी हम लोग पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर आधा टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर आधा टेबल स्पून, अगर आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो और डाल सकते हो, और नमक स्वादानुसार। उसको एकदम अच्छे से पकने देंगे, उसको 2 मिनट के लिए ढक के रख लेंगे हम लोग। स्लो फ्लेम पे गर्म होने दीजिए। और ये देखिए अभी टमाटर अच्छे से घुल चुके हैं उसमें। अब हम इसमें जो प्योरी हमने बनाई है पालक और सरसों की, वो उसमें ऐड कर लेंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता इसको मीडियम फ्लेम पर हम गर्म करेंगे। देखिए अभी इसमें हम गरम मसाला डालेंगे 1/4 टेबल स्पून। फ्रेंड्स, मैं बहुत कम गरम मसाला यूज करती हूँ, सो ओनली 1/4 टेबल स्पून। और इसमें देखिए उबाल आ रहा है, फिर से हम आधा टेबल स्पून जितना घी डालेंगे। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको 2 मिनट तक कवर कर लीजिए। 2 मिनट बाद देखिए उसमें एकदम अच्छे से मसाले मिक्स हो जाते हैं। अब हम इसमें मक्की का आटा डालेंगे, ये मैंने 1 टेबल स्पून जितना लिया है, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें से घी सेपरेट नहीं हो जाता है। आप चाहो तो मीडियम से थोड़ा सा स्लो फ्लेम पर गर्म करते रहिए। देखिए इसमें से सेपरेट हो चुका है, 10-15 मिनट इसको लगते हैं बनाने में। नाउ स्विच ऑफ द गैस। ये देखिए गरम गरम इसको सर्व कीजिए, गरम गरम मक्के की रोटी के साथ। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो बनता है ना एक और नई डिश के साथ। सो और भी फ्रेंड्स अच्छी अच्छी रेसिपीज आ रही है, आपका इंतज़ार कर रही है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।